सो गाइस दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करेंगे एक रिन्यूएबल रिन्यू ड्रोन। मैंने साइमा X5XW मैंने मंगाया था, मॉडल नेम है X5SW। इस ड्रोन का मॉडल नेम है, मैंने 4 चैनल का रिमोट कंट्रोल इसके अंदर देखने को मिल जाता है, 5 MP का कैमरा मिल जाता है, ज़्यादा रेंज के साथ यह ड्रोन रहता है, 2 किलोमीटर इसमें ट्रांसमीटर रेंज बताया हुआ है। और साइमा का लोगो देख सकते हैं, ब्लैक कलर थोड़ी अच्छा दिख रहा है, ब्लैक कलर में सॉरी आसम दिख रहा है। और क्विडकॉप्टर है ये ड्रोन। और इधर साइड की बात करें तो बॉक्स कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी बॉक्स नहीं है। मैंने रिन्यूएबल ड्रोन लिया हूँ, अब यूट्यूब में पहली बार रिन्यूएबल ड्रोन की अनबॉक्सिंग करना, वो भी साइमा X5SW ड्रोन की पहली बार यूट्यूब में देख रहे हैं रिन्यूएबल ड्रोन। ये बाबूराव का स्टाइल है तुले। और देख सकते हैं यहाँ पास हेडलेस मोड मिलेगा, रिमोट के अंदर 360 फ्लिप करेगा और 6x से जारी रिमोट से ये कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोट से भी उड़ा सकते हैं। HD कैमरा मिल जाएगा, 2.4K का रिमोट कंट्रोल, 6 चैनल का ये 2.4K, कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई आपको ट्रांसमीटर मिल जाएगा। और इधर साइड की बात करें तो यहाँ पास X5 है, वही रियल टाइम वीडियो रिकॉर्ड करेगा। ये वाइट कलर में देख सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिख रहा है वाइट कलर, 12+ एज है, इतना अच्छा ये ड्रोन स्टेबल रहता है। अगर आप स्टेबल कर सकते हैं रिमोट से तो स्टेबल रहेगा। और ये स्टेबल ड्रोन नहीं है, वायरलेस मोटर नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये आपको USB मोटर मिलनी है इसके अंदर। ये साइमा आप देख सकते हैं, आप पास ट्रांसमीटर रियल टाइम वीडियो ट्रांसमीटर है, ये आपको ज़्यादा रेंज के साथ दे देता है, ये अच्छा जो है वीडियो रिकॉर्ड करता है, फुल्ली स्टेबल के साथ वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें आपको स्कैनर 2 देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप प्ले स्टोर में आपको ऐप अवेलेबल रहेगा उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, साइमा FPV जो है एक नाम से आपको ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं, बस इतने ही है इसके अंदर। और इधर साइड बैटरी वगैरह दी हुई है, तो देखते हैं इसके अंदर किस तरह का ड्रोन आता है। वो बताया था बहुत सारे एक्सरी मिल जाएंगे इसके अंदर, देखता हूँ। आपको कैरी बैग मिल जाएगा, आप इसको कहीं भी ले जाकर कहीं भी उड़ा सकते हैं इस ड्रोन को, अच्छा देखने को मिल गया बॉक्स। तो चलते हैं बिना देरी के, पहले इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह के इसके अंदर ड्रोन आया है। अब ये ड्रोन देख सकते हैं, पैकिंग तो बहुत अच्छी की हुई है, देख सकते हैं इसके अंदर, इसके बाहर एक एक्स्ट्रा जो है ग्लास गार्ड लगाया हुआ है और थोड़ी उड़ाया हुआ है। रिन्यूअल ड्रोन जानते हैं आप किस तरह का रहता है ड्रोन, थोड़ी उड़ा कर वो दिया है ड्रोन। और इसकी मैक्सिमम मैं प्राइस बता दे रहा हूँ, ये प्राइस जो है आपको मिल जाएगा, रियल टाइम के प्राइस बताऊँ तो आपको ये नया ड्रोन मिलेगा 6,000 रुपये का आपको मिलेगा। तो मैंने 1,000 रुपये परचेज किया, बहुत चल झूठा, बहुत कम में आपको एक बैटरी के साथ कितने MAH की 800 MAH की बैटरी एक मिल जाएगी, एक और 800 MAH की बैटरी, 2 हमको एक्स्ट्रा बैटरी इसके अंदर देखने मिल गया है। बहुत सारे बंदर भी हैं, डर भी लगता मुझे, ये 2 एक्स्ट्रा बैटरी देखने मिल गए इसके अंदर, मिलती हैं काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी के साथ, काफ़ी ज़्यादा तो है आपको दे देती हैं, बैटरी बैकअप फ्लाई टाइम ज़्यादा दे देती हैं। और बहुत सारे बंदर भी, डर भी लगता है। और ये देख सकते हैं ड्रोन है साइमा ड्रोन, जो कि रिन्यूअल ड्रोन है, उड़ाया हुआ ड्रोन है, पता नहीं वो अच्छे से साफ कर दिया नहीं, ऐसे ही ड्रोन दे दिया है। साइमा X लिखा हुआ, साइमा X5SW क्वालिटी देख सकते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के साथ है, अच्छा भी है ड्रोन, दिख भी रहा अच्छा। और यहाँ पास LED लाइट आपको देखने मिल जाएंगे 2, आपको रेड और ग्रीन लाइट देखने मिल जाएंगे, ऑन ऑफ स्विच देखने मिल जाएगा, यहाँ कैमरा का एक पिन दिया रहेगा, यहाँ पास कैमरा लगा सकते हैं, बैटरी यहाँ पास लगा सकते हैं आप इसके अंदर। तो चलते हैं ड्रोन में, बता दिया अब इसके अंदर क्या है, क्या क्या एक्सरीज आती हैं। तो आपको ये मिल जाएगा एक, ये पता नहीं ये टूटा फूटा दे दिया एक आपको, जो कि गार्ड गार्ड आपको देखने मिल जाएंगे। देखिए बंदर ऊपर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बंदर है, देखिए बंदर हमको डरा दिया, तो ऊपर देखिए बंदर बैठा हुआ है, यहाँ डर लग रही है, पता नहीं थोड़ी अच्छा ये थोड़ी, इसमें पहले मैं सारी एक्सरीजें लगा लेता हूँ इसके अंदर। ये देख सकते हैं ये आपको पंखी गार्ड देखने को मिल जाता है, थोड़ी डैमेज होने के चांस रहने के ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ के बंदर हैं, कुछ भी अगर कोई अगर देखिए अगर इनको कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे ना, तो भी ये आपको जो है झपटने की प्रयास करेंगे, आपको जो है ये थपोल मारने की प्रयास करेंगे, मेरे साइड यही बोलते हैं ये एक्सरे। क्या गुंडा बनेगा रे तू। इसके अंदर आपको 5 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, अच्छा कैमरा है, थोड़ी आप हैंड से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वाईफाई कैमरा है। और इसके अंदर रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, ये रिमोट कंट्रोल। और आपके सामने देखिए बंदर किस तरह कर रहे हैं, ये देखिए बंदर, ये देखिए आपके सामने
बंदर किस तरह कर रहे हैं, ये रिमोट कंट्रोल है। काफी ज्यादा फंक्शन के साथ रिमोट कंट्रोल है, अप डाउन लेफ्ट बैक और फॉरवर्ड ट्रांसमीटर रहता है। यहाँ ट्रांसमीटर चलेगा, यहाँ पास सेल लगा सकते हैं। पहले मैं इसके अंदर सेल इंक्लूड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह का ड्रोन फाइल करता है, और एक्सरीज दिखाता हूँ कितनी एक्स्ट्रा एक्सरीज आती हैं इसके अंदर। एक चार आपको स्टैंड गार्ड मिल जाएंगे ड्रोन का, जो है नीचे लैंडिंग गियर आपको चार देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर देखो तो और भाई साहब, इसके अंदर बहुत सारे एक्सरीज देखने को मिल गए हैं। इसके अंदर आपको मैनुअली देखने को मिल जाता है, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा इसको आसानी से उड़ा सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं मैनुअली। आपको आप वीडियो के अंदर सारी चीज़ें इसमें कैसे कैसे किया जाता है, और देखें किस तरह के मतलब बंदर हमको इतना भयानक डरा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ड्रोन है ना, तो अभी डर नहीं रहे। अभी मैं इनको ऐसी इनकी हालत करूँगा, ये रहने लायक नहीं रह जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपको चार एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देखने मिल जाएंगे, और इसके अंदर चार एक्स्ट्रा प्रॉपर्ट देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा मैंने बोला था ज़्यादा मुझको प्रॉपर्ट गार्ड मिल गया, इसके अंदर इसको भी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पास आपको मैंने बोला था भैया से ज़्यादा एक्सरीज दीजिए, काफ़ी ज़्यादा एक्सरीज है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी एक्सरीज है मेरे पास। अगर पंखी टूट जाएंगे तो नई पंखी लगा लेंगे, अगर स्टैंड का थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, स्टैंड कोई दिक्कत, स्टैंड क्या डैमेज नहीं होगा। चलिए मेरे पास चार एक्स्ट्रा ये सेल हैं, और इस रिमोट के अंदर मैं पहले सेल को इंक्लूड कर लेता हूँ आपके सामने ही, पहले फटाफट कह लेता हूँ इसके अंदर मैं। इसके अंदर चार एक्स्ट्रा पहले मैं सेल लगा लेता हूँ, ये किया और ये किया और एक और ये किया, चार लगा लिए। और आपको आवाज़ भी आ रही होगी इधर साइड ये ट्रांसमीटर का, ये आपको आवाज़ आ रही, देखिए पूरा दिख रहा ट्रांसमीटर, हाई लो देखिए, हाई लो आपको दिख रहा होगा, सब सारे बटन के इसमें पूरे फंक्शन काम करते हैं। तो पहले इसके अंदर पहले मैं इसको अच्छे सेफ्टी के लिए पैक कर लूँ इसको पहले। और मेरा रिमोट जो है तैयार हो चुका है, ऑलरेडी चालू भी हो चुका है। अब चलते पहले ड्रोन में इसको सारी प्रॉपर वगैरह जो इसके गार्ड वोड पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ उड़ा कर किस तरह का उड़ता है, बहुत अच्छा ड्रोन। चलिए पहले फटाफट इसको मैं लगा लेता हूँ, ये यहाँ पास आराम से एडजस्ट हो जाता है, ये भी हल्के से पुश कर देता हूँ उसको भी, और ये भी पुश हो गया हल्के से, इसको भी मैं पुश कर दे रहा हूँ हल्के हाथे से, इसको मैं हल्के हाथे से मैं पुश कर देता हूँ। और ये जो मेरा ड्रोन इतना बड़ा हो चुका है ड्रोन, और ये जो DJI ड्रोन है फैंटम 4 प्रो, क्या बोला तूने, मैंने स्टैंड अच्छे से फिट कर लिया हूँ। अब चलते इसका गार्ड फिट कर लेते हैं जल्दी फटाफट, पहले इसका गार्ड फिट कर लेते हैं। और मैंने गार्ड फिट कर लिया हूँ, और चलते हैं पहले इसकी फ्लाइंग करते हैं, और आपको इसके नज़ारे दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं किस तरह का फ्लाई करता है। मेरे पास एक और कैमरा भी है, इसको कैमरा नहीं उड़ाएंगे, पहले ऐसे ही सिंपली उड़ाएंगे, कैमरा लगा दे, बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं देगी, तो पहले मैं ऐसे ही उड़ाऊँगा, कैमरा नहीं लगाऊँगा, और फ्लाई के ज़्यादा मज़े लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बैटरी बैकअप 10 मिनट दे देगी, अगर कैमरा लगा दूँगा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाएगी इसको। मैं लास्ट में आपको मैं कैमरा का भी दिखाऊंगा, थोड़ी ज़्यादा ऊपर 100 मीटर ज़्यादा ऊपर मैं कैमरा भी दिखाऊंगा। पहले ऑन करता हूँ, देखिए इंडिकेटर लाइट जलने लगे, और रिमोट से सीधे कनेक्ट करता हूँ, और जैसे ही कनेक्ट करूँगा जैसे फ्लाई करने लगे, देखिए ये देखिए मेरा चालू हो चुका है। थोड़ी दो प्रॉपर गार्ड दो इधर इधर बी साइड के, जो थोड़ी वो पंखी में थोड़ी वो गार्ड जो है डैमेज कर रहे हैं, देखिए वहाँ पास फार हो जा रहा है, और देखो पूरा रिमोट भी बता रहा है किस तरह का ऊपर कर रहे हैं, तो देखिए सारी चीज़ें उसमें रिमोट में बता रहा है। तो ऐसा ड्रोन आप पहली बार देखी होंगी, तो चलते पहले इसको फ्लाई करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह का स्टेबल रहता है, जरा तो गेम बचाना पड़े। और इसको चलते हैं स्टार्ट करते हैं, और मेरा ड्रोन जो है टेक ऑफ करने के लिए रेडी होने वाला ही है, और ये मेरा ड्रोन जो है रिमोट से कनेक्ट हो चुका है, और ये फ्लाई करने के लिए रेडी हो गया और टेक ऑफ हो चुका है। अब ड्रोन जो मेरा है देखिए कितना स्टेबल, मैं अपने से स्टेबल कर पा रहा हूँ, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपसे उड़ाते ही नहीं मेरे, क्योंकि ऊपर नीचे वाला तो है, और इससे बंदर बहुत ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा डरते हैं इससे, और पता नहीं बैटरी इसकी डाउन वो होगी, इसमें इंडिकेटर लाइट देने के, देखिए अगर बैटरी अगर लो हो जाती है ना उसमें इंडिकेटर लाइट जाने लगती है। काफ़ी ज़्यादा मैं इसको स्टेबल कर सकता हूँ, और कैमरा में भी देखिए इतना क्लियर वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड करूँगा, आप बोलेंगे क्या भाई भैया से ड्रोन उड़ाते बनता है, क्योंकि मैं इतना अच्छा ड्रोन उड़ाता हूँ। मैंने 2-3 ड्रोन उड़ाते उड़ाते जो है गुम गए, टूट गए, पता नहीं क्या हो गया ड्रोन, मैंने रिन्यूएबल ड्रोन लिया, बहुत अच्छा ड्रोन ये फ्लाई करता है।
अब देखिए पूरी ब्यूटी पूरी यूट्यूब में पहली बार मैं रिन्यूएबल ड्रोन की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। अभी रिन्यूएबल मोबाइल बस की अनबॉक्सिंग, ये बाबूराव का स्टाइल है, रिन्यूएबल ड्रोन की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। कैसे देखिए किस तरह का ड्रोन स्टेबल है। आप साइमर ड्रोन, मेरे पास विजन ड्रोन, फिर मेरे पास विजन ड्रोन भी है, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाकर डाला हुआ है, वो भी मेरे पास ड्रोन है। सबसे अच्छा साइमा ड्रोन होता है, तो ट्रांसमीटर मिल जाता है, ज़्यादा रेंज के साथ मिल जाता है, थोड़ी अच्छा स्टेबल के साथ मिल जाता है, कंट्रोल भी फुल रहता है, अच्छा खासा कंट्रोल जो है हमारे रिमोट से कनेक्ट रहता है। मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड करेगा तो उसमें लैग नहीं आते हैं, कोई कोई लैग आने लगते हैं तो लैग भी नहीं आता। ये आप लोग सामने साइड का व्यू देख सकते हैं, क्या ही बेहतरीन व्यू है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। चलते काफ़ी थोड़ी दूरी ले जाते हैं ड्रोन, और देखिए कितना दूरी जा चुका है। जूम कर रहे हैं भैया कि नहीं, यहाँ जूम करने लगे। देखिए क्या कि मैं इसको 2 किलोमीटर दायरे में उड़ा सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है फास्ट है। अच्छा बैटरी लो हो गई, वहाँ पास गिर गया है। चलिए मैं अगले बैटरी लेकर दिखाता हूँ। और अब इसको फ्लाई करने के लिए रेडी करता हूँ, क्योंकि उस बार जो है मेरी बैटरी जो है डाउन हो चुकी थी, वहाँ पास गिर गई थी। अब उसको जल्द फ्लाई करते हैं, और टेक ऑफ हो चुका है। अब देखिए मैं इतना स्टेबल इसको कर सकता हूँ, मैं इसको लो में उड़ा रहा हूँ। अगर हाई में उड़ाऊँगा ना तो हाई में तो बहुत तेज़ भागता है ड्रोन, लो में ही सही है इसको। चलिए मैं कैमरा में इसको देखता हूँ, और आप देखते रहिए कि इतना भैया स्टेबल। मैंने अमेजोन से इतना कम प्राइस में पहली बार मैं शॉपिंग किया हूँ अमेजोन, रिन्यूएबल ड्रोन, वो भी इसका मिनिमम इसका जो 6000 से 1000 के बीच में आता है। ये आपको अमेजोन में देखने मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट में नहीं मिलेंगे, अमेजोन और एम्प्लॉय बिलीवर में, डैडी ड्रोन में, बहुत सारे जो है वेबसाइट है उस ड्रोन में अवेलेबल मिल जाते हैं। सीओडी उनके आपको अवेलेबल मिल जाएगा, अमेजोन में सीओडी था। वो सेलर से मुझे बात कर रहे थे, मैंने सेलर से बात किया था, वो मुझे दिए हैं 1000 के अंदर। बहुत सारे मुझे एक्सरेज भी देखने मिल गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथली ड्रोन है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है ड्रोन वीडियो रिकॉर्ड करता है, बहुत ही जो है अच्छा रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट रहता है। कभी भी जो है ये कहीं कहीं बार जो है विजन ड्रोन में कहीं कहीं बार लैग कर देता था, कहीं कहीं बार ये अपने आप ही ऊपर नीचे होने लगता था। ये ड्रोन एकदम फुल्ली स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ना बंदर बहुत सारे हैं, और देखिए वहाँ पास आपको दिख रहा होगा बंदर, क्या ना इससे बहुत पता नहीं वो बंदर सोचते हैं कि ये क्या है, ये किस चीज़ है, मेरे पास ये क्या आ रहा है। उनके जैसे शायद बाज हो जो है ना, जैसे उड़ते ऊपर जो कि है ना ईगल वगैरह, उनके लगता है यही है मैंने ना, इसकी आवाज़ बहुत तेज होती है। क्या है कि देखिए बंदर जो डरते हैं ना, तो इसी के देखिए जैसे आपके आपके गांव में बंदर होंगे तो आप उड़ाइए बहुत ज़्यादा ही डरेंगे। DJI देखिए, DJI से पूरा ही सेम है, इतना बड़ा DJI है, थोड़ा इससे बड़ा रहता है DJI, और बस थोड़ी USB मोटर ज़्यादा रहती है। अगर इसका जो है बैटरी देखिए, अगर इसका बैटरी जो है डैमेज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपको अवेलेबल है अमेजोन फ्लिपकार्ट का ही मिल सकते हैं, बैटरी मिल जाती है। सिर्फ बैटरी किसकी नहीं मिलती है, आपको 5G ड्रोन GPS जो है R20 में पिछली वीडियो में उन्होंने अनबॉक्सिंग किया था, वो ड्रोन की जो है बैटरी नहीं मिलती। देखिए किस तरह का बंदर कर रहा है, देखिए कैसे वो ड्रोन को जो है झपट रहा है ना। अब देखिए वो ड्रोन जिसके जितना पास लेंगे उतना तेज़ भागेंगे, वो देखिए भागते जा रहा चला जा रहा है वो ड्रोन, देखिए चला जा रहा है भाई। ड्रोन उड़ाने में इतना मज़ा आता है, मुझे क्या पता है, मैं छोटे से ड्रोन उड़ाना सीख गया था, और मुझे ड्रोन बहुत पसंद था, मैं ड्रोन बहुत ही पसंद करता था। मैं बोला था यार ड्रोन लेता हूँ, पहले मेरा सबसे जो है मैं सबसे पहला ड्रोन क्या उड़ाऊँ, मैं विजन सबसे पहले ड्रोन उड़ाया, फिर उसके बाद फेलकोन कितना उड़ाया, उसको टूट गया, उसको मैंने इतना उड़ाया कि उसकी इतना उस इसमें ड्रोन बनाना मतलब मुझे ड्रोन बनाते ही बनने लगा है। ये मेरे पास मैं आपको फेलकोन ड्रोन दिखाऊंगा अगली वीडियो के अंदर, किस तरह का मेरा फेलकोन ड्रोन है, उसको लेना है, बहुत अच्छा ड्रोन है। और इसमें क्या है ना, 1 की रिटर्न काम नहीं करेगा, सिर्फ इसमें फ्लिप भी नहीं करेगा, क्या है ना हेडलेस मोड काम करेगा और रोटेशन काम करेगा बस। तो मैंने इसके अंदर कैमरा लगा चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने कैमरा लगा दिया इसके अंदर, और देखिए मैं ऑन करता हूँ तो किस तरह की लाइट इसके अंदर जल रही है, ब्लू कलर की इसके अंदर लाइट आपको दिख रही होगी कैमरा के अंदर। और तो चलते हैं, पहले इसको रिमोट से कनेक्ट करते हैं और आपको ऐप बताते हैं कौन सा ऐप है। और एक इसके साथ यहाँ पास ही हमको ये मिल जाता है, जो कि यहाँ पास आप रिमोट में यहाँ पास लगा के और मोबाइल को जो है एडजस्ट कर लीजिए इसमें, है ना। उसके बाद ऐप से आप कंट्रोल करिए, वाईफाई चालू करिए, वाईफाई चालू करने के बाद आप नेट को ना चालू करिए, अगर नेट चालू करेंगे तो आपका जो है वाईफाई कनेक्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ से ऐसे आपको इसको यहाँ पास ऐसे कर मोबाइल को यहाँ पास फंसा देना है, उसके बाद आप जो है कैमरा जो है आप अपने रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले बिना देरी किए पहले आपको मैं ऐप बताता हूँ किस ऐप कौन सा ऐप है, कहाँ प्ले स्टोर में मिलेगा, किस तरह का मिलेगा। चलते स्टार्ट।
देखिए मेरे पास मोबाइल है और मेरा जो है ड्रोन रेडी हो चुका है, उसको पहले कनेक्ट करता हूँ। तो पहले आप यहाँ नेट से बंद करिए, यहाँ से बंद करिए, सारी चीज़ें बंद करिए। ये बंद कर दिया और इसको वाईफाई से ऑन कर देना है। वाईफाई ऑन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधे जाना पड़ेगा UFO जो कि प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल है। आपको क्या करना, XSW UFO आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मेरे पास जो है कि ए विजन ड्रोन का कैमरा है मेरे पास, मतलब विजन ड्रोन का कैमरा, साइमन ड्रोन का कैमरा नहीं। साइमन ड्रोन का कैमरा क्या है कि मेरे पास था तो पता नहीं डैमेज हो चल नहीं रहा था, मैंने विजन ड्रोन को उन्हें कनेक्ट कर दिया। तो विजन ड्रोन के देखिए तो भी 5 MP कैमरा विजन ड्रोन में आता है, 5 MP कैमरा साइमन ड्रोन में आता है। और देखिए कितने सारे फंक्शन है, कैमरा हो गया, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, पता नहीं ये 360 100 का ये रोटेशन है, ये कुछ कैलिब्रेशन है, ये सेटिंग वगैरह दिया रहता है, डबल कैमरा कर सकते हैं और पता नहीं रोटेशन वगैरह, माइक वगैरह है। और जैसे देखिए मैं जैसे देखिए यहाँ आप वाईफाई में जाएंगे, देखिए जैसे आप जाएंगे इसको प्रेस करेंगे, इसके जाने के बाद आप यहाँ देखिए वाईफाई में आपको क्या आया है, वाईफाई यू है, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपको सेव्ड हो जाएगा कि ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसको बैक करेंगे और बैक करने के बाद आपको कहाँ चले जाना है, फिर वही यूफे में आना है। उसके आने के बाद अब देखिए आपके सामने, देखिए मैं इसको पहले बैक करता हूँ, उसके बाद देखिए रुकिए अभी कनेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया, कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा रुकिए कोई कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा इसको चलते हैं कुछ हाई में उड़ाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं और कनेक्ट भी है और ये फ्लाई करने के रेडी हो चुका है। पता नहीं बैटरी कुछ हो गई है इसकी बैटरी, क्योंकि बैटरी दूसरा डालकर इसको उड़ाते हैं। देखिए कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, हाँ कनेक्ट हो चुका है कैमरा से और चलते इसको फ्लाई करते हैं। मैंने वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया हूँ और देखिए अब शॉट लीजिए मेरे, ये हो चुका है फ्लाई करने के लिए रेडी हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहा है कैमरा और ये देखिए और देखिए मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पास, मैंने अब मैं अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। पता नहीं क्या है कि बैटरी पता नहीं क्या होगी, बैटरी पहले चार्ज करना पड़ेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ सही पकड़े हैं।